मैं अपने हलके में बहुत से हजारों लोगों का धन्यवाद करके आ रहा हूं और ये एहसान फरामोशी होगी अगर उन लोगों का धन्यवाद ना किया जाए जिन्होंने 6 इलेक्शन जिताए और आज भी अडिग खड़े रहे। सवाल कॉन्स्टेंसी ऑफ पर्पस का है, एक मकसद है, वो अडिग है, इट इज अनशेकेबल। और मकसद पंजाब का उत्थान है, उसके लिए खालिस नीयत है और दिल में हक और सच की लड़ाई है पंजाब के लिए। इसे दुनिया में कोई हिला नहीं सकता क्योंकि सच्चा इश्क हार जीत नफे नुकसान से बहुत परे है, समझे। जिन लोगों ने गड्ढे खोदे सिद्धू के लिए, वो उनसे 10 गुना ज्यादा गहरे गड्ढों में दफन हो गए। कौन कहता है बेअदबी का इंसाफ नहीं हुआ? हुआ, जनता की अदालत में हुआ, समझे। नहीं, वो सबको दिखता है। इसलिए मुर्दे का बाल उखाड़ने से मुर्दे का वजन हल्का नहीं होगा, जो चला गया उसे भूल जा। एक नई शुरुआत हुई है, एक नया सृजन है, नई सवेर है। लोगों को आस और विश्वास है आम आदमी पार्टी पे, तभी ये वोट डाली है, बदलाव के लिए वोट डाली है। मेरी शुभकामनाएं आम आदमी पार्टी को, क्योंकि अगर सच्चे दिल से पंजाब को प्यार करते हैं तो लोगों का ये फतवा जो है इसे झुक के विनम्र भाव से स्वीकारना होगा, क्योंकि ये वोट ही बेहतरी के लिए है और जो बेहतर है उसे स्वीकारा समझे। लेकिन बेहतर बनने के लिए ये विश्वास टूटना नहीं चाहिए। जब तक वो पंजाब के साथ हैं सिद्धू जय जयकार करेगा। जिस दिन पंजाब के हक सच की लड़ाई में मुझे लगा कि कुछ गलत है तो आवाज बुलंद होगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस जंग में, इस धर्म युद्ध में, धर्मों में सबसे बड़ा धर्म है राष्ट्र धर्म। सिद्धू का राष्ट्र धर्म पिछले 17 सालों से कभी डोला नहीं, किसी पद के आकर्षण में नहीं था, इसीलिए आज भी वही ललक है, वही इच्छा शक्ति है और वही पंजाब के प्रति प्यार है, कुछ और दिखता ही नहीं। एक योगी के भांति इस धर्म युद्ध में पहले से हूं, सब रिश्ते नाते तोड़ के, सब संबंधों को छोड़ के, मृत्यु का भय भी नहीं है। तो मैं फिर से इस आस और विश्वास की राजनीति की शुभकामनाएं देता हूं आम आदमी पार्टी को और उम्मीद करता हूं कि वो खरे उतरें। जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है, यथार्थ के धरातल पर खड़े होकर आत्ममंथन होना चाहिए। ये उम्मीद नहीं होनी चाहिए कि खेती सूख गई अब बारिश हो, नए बीज बोने पड़ेंगे, आरंभ करना पड़ेगा, कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। चिंता नहीं, चिंतन करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े बड़े दिग्गज जैसे हैं, फैसला जनता की अदालत में हो चुका है।